जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है iQOO Z7 Pro की तरफ से। इसके ऑफिशियल लुक्स आ चुके हैं, देख लो फोन ऐसा दिखाई देगा। ऑलरेडी मैं आपको करोड़ों सालों से बताते हुए आ रहा हूँ कि Vivo S17e ही रहेगा iQOO Z7 Pro। इसका प्राइस रहेगा 25,000 रुपये के आसपास और ये 31 तारीख को तो लॉन्च हो रहा है इंडिया में। इसका लाइव इमेज भी दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेरे भाई लोग। वैसे ये फ़ोन अच्छा है, अगर 25,000 रुपये के आसपास आया तो फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। OnePlus Ace 2 Pro फाइनली लॉन्च हो चुका है। हमने सोचा था कि टेलीफोटो लेंस मिलेगा, कुछ अच्छे अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे कैमरास में, लेकिन मेरे भाई OnePlus Ace 2 से Ace 2 Pro को कंपेयर मारोगे तो कोई बड़े चेंजेस है ही नहीं। अगर सच कहूं तो केवल प्रोसेसर ही अपग्रेड किया गया है OnePlus 11R से, अगर OnePlus Ace 2 Pro को कंपेयर मारोगे तो। OnePlus Ace 2 इंडिया में 11R बन के लॉन्च हुआ है। खैर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो कल बना दिया था, इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। Realme 11 5G और Realme 11X 5G और Realme Buds Air 5 Pro, ये तीनों प्रोडक्ट्स अगस्त के 23 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। और एक बार फिर Realme वाले शाहरुख खान सर से प्रचार करवा रहे हैं, देख लो पोस्टर में शाहरुख खान सर हैं। और भाई कहीं ना कहीं इनको फायदा भी हुआ है, Realme वालों को। Realme 11 सीरीज के सेल्स काफी अच्छे हुए थे, शाहरुख खान सर प्रमोट किए थे, ऑब्वियस ही बात है। Redmi Pad SE ये यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो गया था, देख लो यार सारे डिटेल्स स्क्रीन पे। सच कहूँ तो यार मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छे अपग्रेडमेंट्स देखने को मिल नहीं रहे और कुछ अच्छे खास स्पेसिफिकेशंस भी नहीं हैं। वैसे रूमर्स तो थे ये टैबलेट इंडिया में आएगा, मैं Redmi Pad 2 के इंतज़ार में हूँ। Redmi Pad 2 वाकई में बहुत अच्छे अपग्रेडमेंट्स लेके आएगा और Realme Pad 2 से भिड़ेगा। Xiaomi 13T Pro को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। आपको याद होगा मैं आपको बैक पैनल के लाइव इमेजेस दिखाया था पिछले टेक न्यूज में, तो यार आज बहुत कड़क इन्फॉर्मेशन है। Redmi K60 Ultra कह लो या फिर Redmi K60 Extreme Edition जो अभी एक दो दिन पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, वो जब बाहर निकलेगा चाइना से तो वो Xiaomi 13T Pro बन जाएगा। चेंजेस क्या होंगे, आपको कैमरास में चेंजेस देखने को मिलेंगे। Xiaomi 13T Pro में 50 megapixel का जो प्राइमरी कैमरा होगा उसमें Sony IMX 800 का कैमरा सेंसर नहीं होगा, Sony IMX 707 कर दिया जाएगा। और मेरे भाई टेलीफोटो लेंस भी लगा दिया जाएगा 50 megapixel का, जो ओमनीविजन का होगा, और 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड होगा वो भी ओमनीविजन का होगा। सेल्फी वही रहेगा 20 megapixel का जो Redmi K60 Ultra दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा सेल्फी है Sony IMX 596 कैमरा सेंसर के साथ। लो भैया ये सारे डिटेल्स हैं मैंने आपको बताए। और यार अगर आप Redmi K60 Ultra के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, मैंने वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था मैंने, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी सब कुछ बताया हूँ। वैसे रूमर्स तो आए हैं 1 तारीख को Xiaomi 13T सीरीज के फोन बाहर के कंट्रीज में लॉन्च होंगे, कुछ और अपडेट्स आएंगे तो बताऊंगा मैं। Oppo Watch 4 Pro, Oppo का नया प्रीमियम स्मार्ट वॉच, और Oppo Find N3 Flip, Oppo का नया फ्लिपेबल फोन, ये दोनों प्रोडक्ट्स इसी महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएंगे। मुझे डेट पता चला है अगस्त का 29 तारीख, और मेरे भाई इसी डेट में OnePlus का भी इवेंट होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं भाई Oppo पहले बाजी मारता है कि OnePlus पहले बाजी मारता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ, Oppo Find N3 Fold जो Oppo का नया फोल्डेबल फोन है, असल में वो OnePlus Open का रीब्रांडेड वर्जन है। तो अगर OnePlus पहले बाजी मारेगा तो Oppo रीब्रांड किया, यानी कि अगर Oppo पहले बाजी मार लिया तो OnePlus रीब्रांड मारा। WhatsApp बीटा टेस्टिंग में एक इंटरेस्टिंग फीचर के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, आने वाले टाइम में आपको स्टेबल वर्जन पे देखने को मिल जाएगा, AI जनरेटेड स्टिकर वाले फीचर के ऊपर। मतलब कि आप AI का इस्तेमाल करके स्टिकर्स को क्रिएट कर पाओगे WhatsApp के अंदर में, मतलब कि WhatsApp भी AI से रिलेटेड फीचर्स को ऐड करना चालू कर रहा है, टेस्टिंग करना चालू कर रहा है। ये तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में और भी मस्त मस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। और एक और बात, अब से आप WhatsApp में HD फोटोज को सेंड कर पाओगे। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने बताया था WhatsApp बीटा टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन अब स्टेबल वर्जन पे रोल आउट करना चालू कर दिया है। तो जाओ WhatsApp ऐप को अपडेट करो और बहुत ही हाई क्वालिटी के फोटोज सेंड करो। आपको याद होगा करीबन 1-1.5 हफ्ते पहले मैं आपको ओप्पो A18, ओप्पो A38 इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बताया था कि ये सर्टिफिकेशंस पे पकड़े गए हैं। तो आज ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। दैट मीन्स ओप्पो के A सीरीज के कुछ और बहुत ही मस्त वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। खैर ये तो एक मजाक था, सार्केस्टिक मजाक था, लेकिन ओप्पो ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई और आपके दिल में भी बढ़ जाएगी। बताऊँ किस लिए? देखो यार सभी लोग ना नेचर को बचाने के लिए अपने बॉक्स से चार्जर हटा देते हैं, लेकिन ओप्पो ने क्या किया पता है,
ओप्पो अपने स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस को चेंज कर दिया है। मतलब कि आने वाले टाइम में आपको ओप्पो के जितने भी स्मार्टफोन्स दिखाई देंगे वो ऐसे ही बॉक्सेस में दिखाई देंगे। आप पक्का सोच रहे होगे सुफियान भाई कलर्स और डिजाइंस ही तो चेंज किया है, कौन सा बड़ा काम किया है। अरे भाई बात कलर्स और डिजाइंस का नहीं है, जो बॉक्स है उनके अंदर जो मटेरियल्स है वो 45% लेस पेपर यूज करके बनाया गया है। प्लास्टिक की चीज़ें बहुत कम कर दी गई हैं, 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स या फिर जितनी भी चीज़ें उनके थ्रू बनाया गया है। 45% से भी ज़्यादा चांसेस हैं ये जितने भी चीज़ें इनको वापस से रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर लिया जाएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देके बॉक्स वो क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो केवल आजकल के ब्रांड्स चार्जर बॉक्स से निकाल देते हैं और कहते हैं हम नेचर बचा रहे हैं। ओप्पो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आने वाले टाइम में ओप्पो के सारे स्मार्टफोन्स ऐसे ही बॉक्सेस के साथ आएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको अगस्त के स्टार्टिंग में बताया था मोटो G84, मोटो G54, मोटो H40 नियो, ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे, तीन नए स्मार्टफोन्स मोटोरोला के। तो यार मोटो G84, G54 और मोटो H40 नियो, मोटो रेजर 40S, ये चारों स्मार्टफोन्स TRDA सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। ऊपर से मोटो G54 ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है। और ये सारे के सारे फोन्स 5G हैं। मोटोरोला के बहुत अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। देखो मेरे भाई, आप शायद वैलोरेंट गेम के बारे में जानते होगे। नहीं जानते? वैलोरेंट एक बहुत ही फेमस गेम है, PC में और कॉन्सोल्स में खेला जाता है, PUBG की तरह फेमस है, बैटल रॉयल गेम है। तो यार इसका मोबाइल वर्जन बन रहा है, बहुत ही जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी टाइम लगेगा, 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन मेरे भाई मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है ना, मोबाइल वर्जन तो आ ही रहा है लेकिन कंपनी वाले ना Tencent के साथ मिलकर बना रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो गेम है इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि भाई Tencent के साथ तो आप भी जानते हो PUBG का क्या हाल हुआ था। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ये प्रोसेसर और भी महंगा होगा, 8 Gen 2 के प्राइस से भी महंगा होगा। वैसे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 का प्राइस है $160, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा इंडियन रुपीस में। तो यार ये उससे भी महंगा होगा, मतलब कि ये प्रोसेसर जिस भी फ़ोन में लगेगा वो फ़ोन काफ़ी महंगा होगा। वैसे ये प्रोसेसर इतने तारीख को लॉन्च हो रहा है। मेरे कुछ भाई लोग पूछ रहे थे सुफियान भाई, ये जो Flipkart का बिग बिलियन डे सेल होगा या फिर Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होगा, दिवाली सेल्स, ये कब तक हम लोगों को देखने को मिलेंगे? देखो यार मेरे को डेट्स पता चले हैं, अक्टूबर के मंथ में आपको ये दोनों सेल्स देखने को मिलेंगे, अक्टूबर के 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के आसपास तक। अभी फिलहाल तो यही डेट्स पता चले हैं, तो कुछ और अगर पता चलेंगे तो बताऊंगा। वैसे पैसे जमा करना चालू करो, क्योंकि सेल्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, तो खरीद लोगे जो भी चाहोगे। तो अभी टाइम है, पैसा जमा करो। टेक्नो वालों ने क्या इनोवेशन किया मेरे भाई, क्या इनोवेटिव चीज लॉन्च किया है। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी बोलोगे सुफियान भाई मुझे भी चाहिए। देखो यार केवल ये टेक्नो के यूजर्स के लिए ही है। अगर आप टेक्नो का फोन यूज करते हो, पंच होल डिस्प्ले है फोन में, तो आपको अपडेट के थ्रू टेक्नो वाले ये दे देंगे ये फीचर। ये क्या है? द डायनामिक पोर्ट। अब आप सोच रहे होगे सुफियान भाई ये क्या चीज है, डायनामिक आइलैंड देखियो एप्पल का, बस उसी का ये सस्ता कॉपी है। हाँ यार देख रहे हो, फॉक्सकॉन इंडिया में आईफोन 15 सीरीज का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है। हाँ मेरे भाई, इंडिया में आईफोन 15 का प्रोडक्शन चालू हो चुका है, जो काफ़ी अमेजिंग बात है। लेकिन मेरे भाई आईफोन 15 के प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नोकिया बाबू इज बैक। नोकिया अपने दो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है बाहर की कंट्रीज में। एक का नाम है नोकिया G310, एक का नाम है नोकिया C210। एक का दाम है 15,500 रुपये, एक का दाम है 9,000 रुपये। ये जो फोन्स हैं आप इनसे बैटरी निकाल सकते हो, ढक्कन खोल के बैटरी निकाल सकते हो। देखिए कितने इनोवेटिव फोन्स हैं। Vivo V29 जब इंडिया में लॉन्च होगा तो एक नया कलर वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, बर्गंडी कलर देखने को मिलेगा, जैसे Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra में देखने को मिला था, तो वैसे ही कलर देखने को मिलेगा। और हाँ कलर जो रहेगा वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि फ्लोराइड पैक होता है ना, धूप के कॉन्टैक्ट में आने में चेंज हो जाता है। तो Vivo V29 ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, टेंशन मत लो। इस साल के एंड तक V29 सीरीज़ के सारे फ़ोन्स आ जाएंगे इंडिया में, V29, V29 Pro। अगर आप इन स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और हाँ मैं बताना भूल गया, MIUI 15 का सबसे पहले अपडेट Redmi K60 Ultra में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।